सो गाइस, पेन ईयर बाई में नया अपडेट आने के बाद आप लोग अपने ग्राहकों का पैसा बहुत ही आसानी से निकाल पा रहे होंगे। आप लोग अपने ग्राहकों का पैसा अपने मोबाइल से उनका फेस स्कैन करके, चेहरा स्कैन करके निकाल पा रहे होंगे। अब ग्राहकों को आपके बायोमेट्रिक मशीन में फिंगर लगवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और पेन ईयर बाई ने यह जो सर्विस है, लगभग पेन ईयर बाई के सभी CSP संचालकों के स्मार्टफोन में पेन ईयर बाई पोर्टल में लॉन्च कर दिया है। और अब पेन ईयर बाई के जितने भी CSP संचालक हैं, सारे के सारे लोग इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हमारे पेन ईयर बाई के ऐसे CSP संचालक हैं जिनके पेन ईयर बाई एप्लीकेशन में, पेन ईयर बाई पोर्टल में फेस स्कैन का जो सर्विस है वो टेम्परेरी अनअवेलेबल बता रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कम्प्लीटली कैसे सेटअप करेंगे आप लोग, और ये जो टेम्परेरी अनअवेलेबल बता रहा है इसे कैसे ठीक करेंगे, फेस स्कैन सर्विस को कैसे चालू करेंगे। आप लोगों को सारा का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली देखिए, मार्केट में बहुत सारे AEPS कंपनियाँ हैं, AEPS प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं, लेकिन पेन ईयर बाई एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि आप लोग को फर्स्ट टाइम ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप लोग ग्राहक का फेस स्कैन करके, चेहरा स्कैन करके उसका कैश विड्रॉल का काम कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली जैसे ही आप लोग किसी भी ग्राहक का पैसा निकालने के लिए आप लोग सिंपली उसका आधार डिटेल फिल करते हैं, उसका मोबाइल नंबर फिल करते हैं, इसके बाद बैलेंस लिखते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन शो होता है कंसेंट पर क्लिक करने के बाद। पहला होता है फिंगरप्रिंट का, दूसरा फेस स्कैन का। तो फिंगरप्रिंट में तो वही सेम पुराना चीज़ है, आप लोग सिंपली किसी भी बायोमेट्रिक मशीन के जरिए कस्टमर का फिंगर लगवा करके आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फेस स्कैन का जो सर्विस है, बहुत सारे CSP संचालकों के स्मार्टफोन में अभी तक जो है कि टेम्परेरी अनअवेलेबल बता रहा है। देखिए, अगर आपके स्मार्टफोन में, आपके पेन ईयर बाई एप्लीकेशन में यह सर्विस शो नहीं कर रहा है, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अपने पेन ईयर बाई एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, आप में यह शो करने लगेगा। तो देखिए, बेसिकली हमारे बहुत सारे CSP संचालक जो यह फेस स्कैन का जो सर्विस है इसे चालू ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे चालू कैसे करेंगे, देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप कोई भी बायोमेट्रिक मशीन यूज कर रहे हैं तो उसका एक RD सर्विस होता है, ठीक है। जैसे मॉर्फो अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करते होंगे RD सर्विस के लिए, मॉर्फो SCL RD सर्विसेज, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को सिंपली फेस स्कैन करने के लिए भी एक RD सर्विस का जरूरत पड़ेगा जिसे आप लोग को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा, ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये आप लोग सर्च करेंगे ऑथेंटिकेशन, ये जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है कि देख सकते हैं कि आधार फेस RD ईयरली एक्सेस लिखा हुआ है, यह एप्लीकेशन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यह देखिए 70 MB का एप्लीकेशन है, इसे जब तक आप लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आप लोग का यह काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसके बाद आप लोग, तो देखिए जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने सिंपल से यहाँ पर लिखा हुआ है अनइंस्टॉल, यहाँ पर ओपन वगैरह करने का कोई भी आप लोग को ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आप लोग को सिंपली यहाँ से बैक कर लेना है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद। इसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर आना है अपने पेन ईयर बाई एप्लीकेशन में, यहाँ पर सिंपली आप लोग यहाँ पर आधार डिटेल डालेंगे कस्टमर का। इसके बाद सारा डिटेल डालने के बाद आप लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाले सेक्शन में जाएंगे, इसके बावजूद भी आप लोगों को टेम्परेरी अनअवेलेबल लिख रहा होगा। अब देखिए, यह RD सर्विस भी इंस्टॉल कर लिया, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेरी अनअवेलेबल बता रहा है, यानी कि यह ऑप्शन जो है काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आप लोगों को बता दें कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखिए, यह जो फेस स्कैन का जो सर्विस है यह सभी बैंकों के लिए अभी चालू नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेट बैंक सेलेक्ट किया है, तो स्टेट बैंक में यहाँ पर यह जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ऑप्शन जो है कि यहाँ पर हाइड हो चुका है। लेकिन जैसे यहाँ पर कोई और बैंक सेलेक्ट करते हैं, जैसे खासतौर से अगर एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह ऑप्शन जो है काम करने लगा है। सिंपली यहाँ पर फेस स्कैन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आगे का प्रोसेस कर सकते हैं कस्टमर का फेस स्कैन करके। अब देखिए, बेसिकली यह जो प्रोसेस है सभी बैंक अभी तक इसे एक्सेस नहीं दे रहे हैं, सभी बैंक अभी चालू नहीं किए हैं फेस स्कैन सिस्टम को, ठीक है। देखिए कुछ ही चुनिंदा बैंक है जहां पर आप लोग फेस स्कैन के जरिए ग्राहकों का पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी ग्राहक आते हैं, जितने भी कस्टमर्स आते हैं, जितने भी बैंक हैं आपके पास, ठीक है, उन बैंकों में आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। उनमें से कई सारे बैंकों में फेस स्कैन का यह जो सर्विस है काम करेगा, लेकिन कई सारे बैंकों में काम नहीं करेगा। और खासतौर से अगर SBI की मैं बात करूं तो SBI में फेस स्कैन का सर्विस काम नहीं कर रहा है।
आप लोग दूसरे बैंक में भी ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो टेम्परेरी अनअवेलेबल आ रहा है, इसका देखिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक जैसे ही परमिशन दे देता है फेस स्कैन से कैश विड्रॉल करने के लिए APS के माध्यम से, तो यहाँ पर वो उस बैंक में यह काम करने लगेगा फेस स्कैन सर्विस। अगर बैंक अलाउ नहीं करेगा तो यहाँ पर टेम्परेरी अनअवेलेबल लिखेगा ही लिखेगा। बात बाकी अगर आप लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग को जो मैंने RD सर्विस बताया गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के उसे आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके बाद ही यह काम करेगा। तो आई होप आप लोग को जानकारी मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।